हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और जो भी स्टूडेंट पास किए हो भाई, उसको फिर से एक बार हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोग का कि आप लोग का इस बार अटैम्प्टमेंट निकल गया है। बाकी जो भी स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हो गए यानी फेल हो गए, तो भाई क्या हो गया? फेल ही तो हुआ है, जान थोड़ा ना चला गया है। एक महीने बाद फिर से आपका एग्ज़ाम है। ये तो देखो कि आप लोग के पास एक और नया अपॉर्चुनिटी है कि एक महीने में आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा है। कभी ऐसा होता था आपको 6 महीना का वेट करना पड़ता था, एक बार एग्ज़ाम दिए नहीं हुआ, रिजल्ट का इंतजार किए नहीं हुआ, फिर 6 महीना तैयारी करो, वही बुक बुक पलटो और फिर एग्ज़ाम दो। 6 महीने की जगह आप 1 महीने में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है जो चीज़ आपसे नहीं हुआ है उसको करके दिखाने का। जी हाँ दोस्तों, जो भी हंसा है, जो भी मजाक उड़ाया है कि नहीं हो पाएगा तुमसे, उसको ये चीज़ बता देना है कि हमसे होगा। हमसे क्यों नहीं होगा? सबसे हो रहा है, हमसे भी होगा और होगा। इस बार फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं कि अगले बार भी फेल होंगे। फेल भी हो गए तो क्या हुआ? फिर तैयारी करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हार मानने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि मेरे खुद एक दो फ्रेंड है जो इस बार बोल रहा है कि नहीं, अब हम लोग को नहीं देना है, मतलब अब नहीं देंगे, बहुत हो गया। क्योंकि मेरे साथ साथ वो लोग भी स्टार्ट किया था और अब तक उन लोगों का 4 से 5 अटैम्प्ट हो चुका है मेरा भाई। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अटैम्प्ट बार बार देंगे तो क्या दिक्कत है, देते रहते हैं, नहीं कभी तक निकलेगा। लेकिन ये बात सच है कि एक समय के बाद मोटिवेशनल अंदर का जो मोटिवेशन है ना, वो घट जाता है और अपने आप पे घृणा आने लगता है कि भाई शायद मेरे लिए ये कोर्स नहीं बना, इसलिए हमसे नहीं निकल रहा है। तो कोशिश ये रहना है कि जितना जल्दी हो सके फाउंडेशन आप क्लियर कर लो। क्योंकि क्या है ना, फाउंडेशन का रिजल्ट सबको नज़र में आता है कि भाई क्या हुआ, पास हुए कि फेल हुए। और फाउंडेशन में अटैम्प्ट लगता है ना, तो अपने आप में कुछ ठीक नहीं लगता है कि भाई फाउंडेशन में हमको बार बार अटैम्प्ट लग रहा है, इंटरमीडिएट फाइनल में क्या होगा। और वहीं पे आप फाउंडेशन क्लियर करके जब इंटरमीडिएट में आते हो, आप एक दो बार यहाँ अटैम्प्ट भी लगता है ना, तो आदमी नज़रअंदाज करता है और ख़ुद को भी लगता है कि नहीं यार, सिलेबस ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत टफ है, यहाँ पे कम परसेंटेज पासिंग रहता है, तो ठीक है इस बार नहीं तो अगले बार हो जाएगा। तो अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे कि फेल भी हो जाओगे तो भी इतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वही फाउंडेशन में आप बार बार अटैम्प्ट लग रहा है ना, तो अपने आप पर सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो घटने लगता है और अपने आप पर डाउट आने लगता है कि भाई शायद के हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिलहाल जो भी स्टूडेंट का अटैम्प्ट लगा है, तो भाई टेंशन नहीं लेना है, अटैम्प्ट लगाया नेक्स्ट अटैम्प्ट में तो भाई निकाल ही लेना है ना। एक महीने में आपको फिर से खड़ा होना है और तैयारी करके बता देना है। वही वाला बात हो गया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब तक पास नहीं होंगे तब तक हार नहीं मानेंगे। सारे स्टूडेंट पास हो रहा है, हमसे क्यों नहीं हो रहा है, हमसे भी होगा यार। जो जो मिस्टेक पहले कर चुके हैं वो मिस्टेक को फिर से दोबारा रिपीट नहीं करना है। मिस्टेक क्या हो सकता है? आप MTP RTP नहीं दिए होगे, जो मेजर मिस्टेक आपको बता रहे हैं, MTP RTP लगभग स्टूडेंट नहीं देता है, वो नहीं दिए होगे, टेस्ट वगैरह नहीं दिए होगे, सेट नहीं मारे होगे 100% पर क्वेश्चन वाला, समय को देखते हुए आप सेट मारे हो, टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाए हो। तो ये सारा चीज़ जो है ना, जो आपका पुराना जो मिस्टेक है, उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करना है और उस चीज़ को शॉर्ट आउट करो अपने आप में, कितना सारा मिस्टेक हुआ था उस मिस्टेक को इस बार नहीं करना है। और जो सब चीज़ इस बार नहीं किए थे, यानी जो जो गलती कर लिए, MTP वगैरह नहीं दी, इस बार MTP वगैरह देना है, टेस्ट वगैरह भी देना है और कंसेप्ट भी क्लियर करना है। बहुत सारा स्टूडेंट, एक स्टूडेंट उस दिन लाइव आ रहे थे ना, लगभग लाइव में सारा स्टूडेंट से बातचीत होते रहता है मेरा, तो उसमें एक लड़का बोल रहा था, भैया ऑब्जेक्टिव मेरा इकोनॉमिक्स मेरा ठीक नहीं चल रहा है, क्या हम रट के पास हो सकते हैं? तो मेरे भाई, रट के कैसे पास हो सकते हो? आप रट के कितना याद कर लोगे? इतना बड़ा सिलेबस है, अभी तो और एड हो गया है, मतलब इकोनॉमिक्स में एक ही बुक हो गया है, इतना सारा चैप्टर का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव तुम कैसे रट सकते हो? तो ये जो भी मिस्टेक कर रहे हो ना, रटने वगैरह का सिस्टम माइंड में रख रहे हो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, रटने उड़ने वाला में दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट को समझो और जो सब मिस्टेक किए उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करना है ना। बाकी हौसला रखना है यार, एक बार फेल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा हमसे नहीं होगा, होगा है ना, पास हो गए और करके दिखाना है, सितंबर में सबको पास होना है जो भी फेल हो गए। बाकी ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए। बाकी लगातार मेरा स्ट्रेटेजी वीडियो तो आ ही रहा है, तो वीडियो सब कुछ देखो और सारा वीडियो के अनुसार आप काम करते चलो, अपने आप में आराम से पास हो जाओगे, है ना। बाकी मोटिवेशन लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।